हेलो लर्नर्स, तो इस वीडियो में हमने इस ऑर्डर रिव्यू पेज की कोडिंग करनी है, पर पिछले वीडियो में एक छोटा सा एरर रह गया था, तो उसे हमें यहाँ पे रेक्टिफाई करना है कि यहाँ पे सेशन पिन कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस वजह से क्या हुआ, जब डेटा बेस में मैंने यहाँ पे देखा लास्ट में, तो यहाँ पे सारा चीज़ तो आ रहा है बट पिन कोड की वैल्यू नहीं आई। तो इसलिए हमें यहाँ पे सेशन पिन कोड नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें पोस्ट पिन कोड लिखना था। इट वॉज मिस्टेक। अब यहाँ पे अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। एक बार हम फिर से सेव करवा लेते हैं, यहाँ पे हमारे चेकआउट पेज पे चलते हैं और अब यहाँ पे हमने फिर से एड्रेस को इनपुट करना है। अभी देखिए, अब हमारा यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब सही आ रहा है हमारा, ये पूरा एड्रेस आ रहा है यहाँ पे। अब हम इसे फेच करते हैं इस डेटाबेस में, इस पेज पे, ऑर्डर रिव्यू पेज पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं ऑर्डर रिव्यू पेज का। यहाँ पे कोड शुरू कर देते हैं, रिविजन क्लास कंटेनर डिविजन क्लास रो, डिविजन क्लास कॉल एस एम हमने कॉपी करना है और इसके नीचे यहाँ पे करना है टेस्ट एंड देन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है ना कि इस पीएचपी यहाँ पे जाएंगे हम और अब क्या करेंगे कि एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लेंगे जहाँ पे हम डेटाबेस से फेच करेंगे उस डेटा को। इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस वेयर वेयर यूजर आईडी ID equal to user ID and checkout ID checkout ID। अब इन दोनों वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे सेव कर लेना है। user ID is equal to and यहाँ पे नीचे चेकआउट पेज पे देखते हैं मैंने किस नेम से सेव किया था, चेकआउट आईडी। ओके, तो अब ये परफेक्टली हमारा वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे हम अब इसे माय एसक्यूएलआई क्वेरी यहाँ पे क्या करना है, हमें पहला पास करना है लिंक, दूसरा पैरामीटर होगा हमारा एसक्यूएल। तो अब इस रिजल्ट वैल्यू में हमारा सारे डिटेल्स स्टोर हो जाएंगे अगर चेकआउट आईडी और यूजर आईडी एग्जिस्ट करता है तो। देन इफ अगर रिजल्ट फेच हुआ है देन में अब क्या करना है कि while row is equal to mysqli fetch array of result। सारे वैल्यूज को हमने स्टोर करवा लेना, कैसे तो इको करना है हमें यहाँ पे और इसे हमने एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक आउटपुट वेरिएबल ले लेना है। आउटपुट वेरिएबल में हमने यहाँ पे स्टोर करवाना है सारे डिटेल्स को, ठीक है, जो भी हमने डेटाबेस से फेच करना है सारे डिटेल्स को। तो आउटपुट इक्वल टू
फॉर्म में हमें लिखना है वो हमें यहाँ पे जैसे कि इस जगह पे इस डिवीजन कॉलम SM6 में यहाँ पे हमें इसे डिस्प्ले करवाना है। तो फिर यहाँ पे हमें इसे किस तरह से लिखना है, किस तरह से स्टाइल करनी है वो लिखनी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं H4 H5। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नेम को नेम हो गया, अब यहाँ पे लिखना है 5। रो के बाद एड्रेस, ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे क्लोज करना है, फिर कोट, और फिर इसके अंदर हम लिखना रो मोबाइल, ये हमारा डिटेल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आना है इस H5 डिलीवरी एड्रेस, ठीक है, और नीचे करवाना है आउटपुट, इसे रिफ्रेश करते हैं, डिफाइंड वेरिएबल आउटपुट, ओके, यहाँ पे हमने वेरिएबल को नल से इनिशियलाइज करना है। अब ये वो एरर नहीं आएगा, डिलीवरी एड्रेस आया बट ये डेटाबेस से फिच कर यहाँ पे नहीं आया, सो लेट मी चेक। तो एक्चुअली मिस्टेक यहाँ पे है कि हमारा ये चेकआउट आईडी जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है ये हमारे डेटाबेस में स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमने जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज है वो हमें सिंगल कोट में रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हम जब इसे रिफ्रेश करेंगे देखिए हमारा ये वर्क करेगा, एड्रेस नहीं आ रहा था वो आएगा यहाँ पे। अगर हम इस चेकआउट आईडी से सिंगल कोट हटा देते हैं तो ये वर्क नहीं कर रहा था, बिकॉज क्योंकि डेटाबेस में अगर वो स्ट्रिंग टाइप का तो हमें उसे सिंगल कोट में पास करना रहता, अगर इंटीजर टाइप का तो विदाउट सिंगल कोट। सो अगर हम यहाँ पे सिंगल कंट्रोल जेड करते हैं तो देखिए ये हमारा एड्रेस वहाँ पर फेच होगा, बट यहाँ पे जो डबल कोट्स आ रहे हैं एक्चुअली यहाँ से इन सारे डबल कोट्स को हटा देना है, और अब ये हमारा अच्छे से काम करेगा। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, इसे वर्क करना चाहिए, ये वर्क करेगा। तो अब हमारा ये डिलीवरी एड्रेस फिच हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं इस डिलीवरी एड्रेस वाले। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस कंटेनर इस यहाँ पे आते हैं इस कॉल SM6 के पास स्टाइलिंग करते हैं, यहाँ पे इसकी हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल, और इसकी बॉर्डर बॉक्स शैडो हम दे देते हैं 5 पिक्सल। क्या होगा रिफ्रेश करते हैं, ये इस तरह से हमारा डिलीवरी एड्रेस कुछ अच्छा से दिखेगा। अब
डेरिवेटिव एग्जाम में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक लिख देते हैं ताकि ये सेपरेट दिखे हमारा इस तरह से, ठीक है। इसकी थोड़ी पैडिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस कॉलम से इसकी पैडिंग कर लेंगे, यहाँ पे देंगे पैडिंग या P2, पैडिंग टू, यहाँ पे क्लास में P2 लिखेंगे, पैडिंग टू। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, मैं ये देखिए अब सही है, यहाँ पे हम इसे बढ़ा सकते हैं और कर सकते हैं, और ये अब सही दिख रहा है, ठीक है। हमारा ये हमारा डिलीवरी एड्रेस हो गया। और अब हम इसके बीच इधर ना, ये क्योंकि ऑर्डर रिव्यू पेज पे हमने बनाया, तो ये डिलीवरी एड्रेस यहाँ पे दिखेगा यूजर को, इस एड्रेस पे डिलीवर होगा। और यहाँ पे इसके जस्ट बगल में हमने यहाँ पे कार्ट आइटम्स को दिखाना है, तो कार्ट आइटम्स को दिखाने के लिए उसकी कोडिंग तो पहले से हमने कर रखी है, बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो इस यहाँ पे जाएंगे हम इस कॉल SM6 में, तो ये वाली कोड को हम यहाँ पे से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। अब इस डिवीजन में हमने उस कार्ट वाले कोड की कोडिंग करनी है कार्ट, तो यहाँ पे हमारी कार्ट डॉट PHP पे जाएंगे, और यहाँ पे जहाँ पे हमने फेच किया हुआ है यहाँ पे से, यहाँ इस PHP के वास्ते हमने यहाँ पे फेच किया है कार्ट के सारे डिटेल्स को। तो ये कॉल SM8 जहाँ ख़त्म होगा वहाँ तक की कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक की कोड को। हम इसे कॉपी करते हैं और हम अपने ऑर्डर रिव्यू पे जाके इसके बीच में यहाँ पे करेंगे पेस्ट। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये तो इससे ओवरफ्लो हो रहा है, तो हमारे पास इसका एक रास्ता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर आना है और यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो स्क्रॉल लिख देना वाई, ओवरफ्लो ऑफ वाई स्क्रॉल, देन यहाँ पे कुछ इस तरह से इफेक्ट हो जाएगा। ओके ये काम यहाँ पे आ गया, तो इसमें हमें ऐड करना था, तो एक्चुअली इसे यहाँ से करेंगे कट और पेस्ट करेंगे इसके पास यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे हम स्क्रॉल करके अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं, बट अब यहाँ पे हमने बस इसे माई शॉपिंग कार्ट में क्या करना है कि ये अपडेट का ऑप्शन नहीं आना चाहिए, रिमूव का ऑप्शन नहीं आना चाहिए यहाँ पे, बस क्योंकि रिव्यू करने के लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे अब रिमूव का रिमूव की कोडिंग और अपडेट कोडिंग को यहाँ से हम कर देते हैं रिमूव। तो नीचे आते हैं और जहाँ पे ये रिमूव की कोडिंग है ये इस फॉर्म से लेकर यहाँ तक इस रिमूव की कोडिंग की हुई है, तो इसे हम हटाते हैं यहाँ से। अपडेट की कोडिंग यहाँ पे है इस फॉर्म से लेकर इस फॉर्म तक, ठीक है, इसे भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इसे करते हैं रिफ्रेश, ठीक है, अब भी सही है। आइटम्स इन शॉपिंग कार्ट, यहाँ पे अब ये अच्छे से वर्क करा, यहाँ पे चेकआउट का बटन भी हमें यहाँ पे शो नहीं करवाना है, तो अब चेकआउट बटन को भी यहाँ से कर देते हैं रिमूव। सही है, अब हमारा हमारे पास टोटल प्राइस भी शो होगा और क्वांटिटी यहाँ पे शो नहीं हो रही है, एक्चुअली क्वांटिटी का कोड हम वहाँ से कॉपी करते हैं एक मिनट, कार्ट डॉट PHP से जहाँ पे हमने क्वांटिटी करवाया था ये वाला, और इसे पेस्ट कर देते हैं हमारे ऑर्डर रिव्यू के पास। ओके TR TD दिस TD प्राइस के लिए है, तो ये प्राइस के बाद वाला TD ये यहाँ पे, एक्चुअली
अब यहाँ पे क्वांटिटी को हमें इस तरह से स्पैन में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे हटा सकते हैं यहाँ से इस स्पैन को, रिप्लेस करते हैं। ये देखिए अब ये सही है, दोनों बिल्कुल सटे हुए लग रहे हैं एक दूसरे पे, तो इसलिए हमें इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और इसकी कॉलिज़म यहाँ पे कर देना है 5। ठीक है, इससे क्या होगा, अब करना है MR5 करना है, मार्जिन राइट 5, देन ये देखिए ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब इस तरह से यहाँ पर डिलीवरी डेट समय से हो रहा है और यहाँ पे हमें अब हमें क्या करना है, नीचे यहाँ पे एक पेमेंट ऑप्शन रखना है हमारे पास, तो इस पेमेंट ऑप्शन की कोडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।